Hello everyone, welcome back to our channel. Today we are going to talk about a rare and fascinating medical condition called Stone Man Syndrome. This condition is also known as Fibrodysplasia Ossificans Progressiva or FOP. Turns muscles, tendons, and ligaments into bone, essentially turning people into living statues. If you are interested in unique and rare medical conditions, स्टिक अराउंड एज वी डाइव डीप इन टू स्टोन मैन सिंड्रोम सो वॉट इज स्टोन मैन सिंड्रोम स्टोन मैन सिंड्रोम को हम फाइब्रोडिसप्लेसिया ऑसिफिक प्रोग्रेसिवा और एफ ओ पी भी कहेंगे इट इज अ रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर विच अफेक्ट्स वन इन टू मिलियन इंडिविजुअल्स वर्ल्ड वाइड एफ़ के केस में हमारी बॉडी में न्यू बोन्स फॉर्मेशन शुरू हो जाता है डैट टू इन रॉन्ग प्लेसेस जैसे कि आपकी मसल्स टेंडेंस लिगमेंट्स आपके कनेक्टिव टिश्यूज़ बोन्स में कन्वर्ट होने लगते हैं जिसकी वजह से आपकी बॉडी की मोबिलिटी और फंक्शन रिड्यूज़ होने लगता है दिस लीड्स टू डिसेबलिंग कंडीशन जैसे जैसे आपकी बॉडी में अब ग्रोथ होगी बोन्स की इट विल लिमिट द मूवमेंट इसकी वजह से आपकी बॉडी मूवमेंट कम होगी इट विल इम्पेयर ब्रीदिंग आपकी रूटीन एक्टिविटीज़ डिस्टर्ब होंगी चैलेंजिंग हो जाएंगी जेनेटिक कॉजेज ऑफ एफ ओ पी एफ ओ पी का जेनेटिक ओरिजिन होता है ए सी वी आर वन जीन के म्यूटेशन से ए सी वी आर वन जीन रिस्पॉन्सिबल होता है हमारी बॉडी में बोन फॉर्मेशन की ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए अब इट इज़ एन ऑटोसोमल डोमिनेंट इनहेरिटेंस जिसमें कि अगर एक पेरेंट को आपके एफ ओ पी है देन देर इज़ अ फिफ्टी परसेंट चांस कि अपकमिंग जनरेशन यानी कि चाइल्ड को भी फिफ्टी परसेंट चांसेस हैं कि दे विल ऑल्सो इनहेरिट एफ ओ पी कुछ केसेस में ये देखा गया है कि ए सी वी आर वन जीन का जो म्यूटेशन होता है वो स्पॉन्टेनियसली शुरू हो जाता है जिसकी वजह से अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में किसी को भी स्टोन मैन सिंड्रोम नहीं है तब भी अगर आपकी बॉडी में जेनेटिक म्यूटेशन हो रहा है देन यू कैन सफ़र विद एफ ओ पी सिम्टम्स ऑफ स्टोन मैन सिंड्रोम फर्स्ट इज़ मैल फॉर्मेशन ऑफ दिस इज़ वन ऑफ़ द अर्लीस्ट साइंस ऑफ एफ ओ पी जो कि आपके बर्थ से ही प्रेजेंट होता है मेल फॉर्मेशन ऑफ टोज़ में आपके जो टोज़ का साइज़ होता है दैट इज़ डिफरेंट वेन कंपेयर टू नॉर्मल टो साइज़ एज यू कैन सी द पिक्चर। यहाँ पर आप देख सकते हैं नॉर्मल टोज साइज़ के कंपेरिजन में आप देख सकते हैं अब नॉर्मल ग्रोथ है सेकेंड फ्लेयरअप एंड स्वेलिंग जिन भी पेशेंट्स में एफ़ का केस होता है उन्हें एपिसोडिक फ्लेयरअप्स इन्फ्लेमेशन और स्वेलिंग की कंडीशन देखी जाती है जैसे जैसे सॉफ्ट टिश्यूज़ में न्यू बोन का फॉर्मेशन होता है वहाँ पे इन्फ्लेमेशन एंड स्वेलिंग की कंप्लेंट रहती है थर्ड प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ मोबिलिटी एज अब नॉर्मल बोन ग्रोथ कंटीन्यूज इट लिमिट्स द बॉडी मूवमेंट विच लीड्स टू लॉस ऑफ मोबिलिटी जैसे जैसे आपकी बॉडी की मूवमेंट कम होती जाएगी इट इवेंचुअली कॉज डिसेबिलिटी डायग्नोजिंग स्टोन मैन सिंड्रॉम फर्स्ट क्लिनिकल इवेलुएशन अभी तक हमने जितने सिम्टम्स को स्टडी किया हम क्लिनिकल इवेलुएशन के थ्रू कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को समझ के हम इनिशियल स्टेज में डायग्नोस कर सकते हैं कि ये एफ का केस है या नहीं सेकेंड जेनेटिक टेस्टिंग कन्फर्मेटरी डायग्नोसिस के लिए हमें जेनेटिक टेस्टिंग करनी होगी जिसमें कि ए सी वी आर वन जीन का म्यूटेशन रिस्पॉन्सिबल होगा दैट कैन बी अ स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन फॉर स्टोनमैन सिंड्रोम थर्ड इमेजिंग स्टडीज इमेजिंग टेक्निक्स जैसे कि एक्सरे एम आर आई स्कैन ये सब हमें अब नॉर्मल बोन ग्रोथ को विजुअलाइज करने में हेल्प करेगा एंड डायग्नोसिस में सपोर्ट करेगा ट्रीटिंग स्टोन मैन सिंड्रोम अब तक हमने बात की जेनेटिक कॉजि की सिम्टम्स की डायग्नोसिस की नाउ विल अंडरस्टैंड हाउ टू ट्रीट स्टोन मैन सिंड्रोम मेडिकेशंस कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हेल्प करते हैं इन मैनेजिंग एक्यूट प्लेयरअप एंड स्लो डाउन द प्रोग्रेशन ऑफ दिस कंडीशन सेकेंड फिज़िकल थेरेपी स्पेशलाइज फिजिकल थेरेपी रिहेबिलिटेशन के थ्रू हम मोबिलिटी को मेनटेन करने में हेल्प कर सकते हैं और लाइफ की क्वालिटी को इम्प्रूव करने में हेल्प कर सकते हैं थर्ड रिसर्च ऑन गोइंग रिसर्च एंड क्लिनिकल ट्रायल्स चल रहे हैं टू एक्सप्लोर न्यू ट्रीटमेंट अप्रोचेज फॉर एफ ओ पी विच इज़ ऑफरिंग होप फॉर द फ्यूचर लिविंग विद स्टोन मैन सिंड्रोम बहुत से चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं पेशेंट्स को विद स्टोन मैन सिंड्रोम इंडिविजुअल्स विद एफ ओ पी फेसेस सिग्निफिकेंट फिज़िकल एंड इमोशनल चैलेंजेस फिजिकल की बात करें तो मोबिलिटी रिस्ट्रिक्ट हो जाती है ब्रीथिंग डिफ़िकल्टीज होती है एंड स्पेशली दे फील सोशल आइसोलेशन बट थ्रू सपोर्ट नेटवर्क्स वी कैन हेल्प डीज पेशेंट्स फेस द चैलेंजेस एंड लिव अ बेटर लाइफ सपोर्ट ग्रुप्स पेशेंट एडवोकेसी ऑर्गेनाइजेशन इसमें इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं बाई प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन रिसोर्स एंड अ सेंस ऑफ कम्यूनिटी फॉर दोज अफेक्टेड बाई एफ ओ पी थर्ड रेजिलियंस इतने सारे चैलेंजेस फेस करने के बाद भी बहुत से पेशेंट्स हैं विद एफ ओ पी जो कि एक रिमार्केबल रेजिलियंस शो करते हैं दिफाइंड वेज टू अडेप्ट एंड मेनटेन देयर इंडिपेंडेंस एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ कमिंग टू कंक्लूजन स्टोन मैन एक रेयर और कॉम्प्लेक्स कंडीशन है जो कि एक पर्सन की लाइफ को हर एस्पेक्ट से अफेक्ट करती है अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग आर की टू प्रोवाइडिंग बेस्ट केयर एंड सपोर्ट फॉर दोज अफेक्टेड इफ यू फाउंड दिस वीडियो इंफॉर्मेटिव प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप and share it with your friends subscribe to our channel for more educational content on rare diseases and medical conditions thanks for watching stay curious stay informed